केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी इलाकों में भी पहुंच रहा है। इस सिलसिले में नागौर जिले के कुचामन शहर में केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नेहरू उड़ान में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित और जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करना है। कार्यक्रम के दौरान IEC वैन द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार के उद्बोधन के प्रसारित करने के पश्चात भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थियों द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। सतत कृषि कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा भारत सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तृत जानकारी दी गई। बहुत बढ़िया, अरे राजी हो गए। जनवरी युवा दिवस कैरियर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद उम्मीद कर रही है पांच अस्पताल में जल्द से जल्द अस्पताल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जमीन भी देख ली है, पूरा काम हो गया है। और सरकार एक बार जो भी नई सरकार आती है तो जो नए काम है उनको रोकती है, वापस शुरू हो जाता है। समीक्षा के अंदर है तो जल्दी से जल्दी इनको शुरू करवाएंगे जिला अस्पताल का काम। आई चिकित्सालय जो है सेवानिवृत्त हो गए थे एक चिकित्सक, उनके बाद से यहाँ ऑपरेशन पहले काफी होते थे, अब लगभग बंद से हो गए हैं। इसके लिए कोई राहत? इनके लिए नेत्र चिकित्सक को जल्द से जल्द लगवाएंगे ताकि सुचारू रूप से काम हो, ऑपरेशन हो, जनता को उनका लाभ मिले। चिकित्सालय के चिकित्सकों के साथ आपकी बैठक हुई है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और क्या रूप देखने को मिला क्या आने वाले दिनों में इस अस्पताल का? चिकित्सकों के साथ मीटिंग हुई, चिकित्सकों से यही कहा गया है कि आप मरीज का ध्यान रखें, समय पर आएँ और समय की पाबंदी रखें, कोई भी मरीज परेशान नहीं हो और टाइम से ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हो और यहाँ जो भी कमी है उनको जल्द से जल्द दूर करवाएंगे। क्षेत्र के लाभान्वित हो, शहरी क्षेत्र में भी आज से विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए योजनाएँ चली है, फ्लेक्सिबल योजनाएँ हैं भारत सरकार की, उनका आमजन को लाभ मिले और लाभ जो लाभार्थी है उनमें इतनी खुशी है कि वो अपनी खुशी बयान करने में इतना हर्ष महसूस कर रहे हैं कि भाई हमें मोदी जी ये जो योजना है उनका लाभ दे रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी योजना है उनके बारे में। चिकित्सालय भवन के लिए जिला चिकित्सालय बन चुका है, अब अपर्याप्त है यहाँ जो भी भवन है, इसका काम रुका हुआ है, इसके लिए कोई संदेश जनता उम्मीद कर रही है पांच अस्पताल में? जल्द से जल्द अस्पताल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जमीन भी देख ली है, पूरा काम हो गया है। और सरकार एक बार जो भी नई सरकार आती है तो जो नए काम है उनको रोकती है, वापस शुरू हो जाता है। समीक्षा के अंदर है तो जल्दी से जल्दी इनको शुरू करवाएंगे जिला अस्पताल का काम।
आई चिकित्सालय जो है सेवानिवृत्त हो गए थे एक चिकित्सक, उनके बाद से यहाँ ऑपरेशन पहले काफी होते थे, अब लगभग बंद से हो गए हैं। इसके लिए कोई राहत? इनके लिए नेत्र चिकित्सक को जल्द से जल्द लगवाएंगे ताकि सुचारू रूप से काम हो, ऑपरेशन हो, जनता को उनका लाभ मिले। चिकित्सालय के निर्देश, चिकित्सकों के साथ आपकी बैठक हुई, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और क्या रूप देखने को मिला क्या आने वाले दिनों में इस अस्पताल का? चिकित्सकों के साथ मीटिंग हुई, चिकित्सकों से यही कहा गया है कि आप मरीज का ध्यान रखें, समय पर आएं और समय की पाबंदी रखें, कोई भी मरीज परेशान नहीं हो और टाइम से ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हो और यहाँ जो भी कमी है उनको जल्द से जल्द दूर करवाएंगे।